कभी सहवाग का बल्ला उगलता था आग, गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटते थे सहवाग। अब बेटे ने भी मैदान पर मचाया तहलका, आर्यवीर सहवाग ने ठोक दिए 297 रन, 23 रन और बनाते तो मिल जाती फरारी। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। वीरेंद्र सहवाग नाम तो सुना ही होगा, क्रिकेट की दुनिया का ये वो नाम है जो टेस्ट क्रिकेट में भी T20 जैसी धमाकेदार बल्लेबाजी करने का दम रखता था। जब मैदान पर बल्ला लेकर खड़े होते थे, बड़े से बड़े तो गेंदबाज भी गेंद फेंकने से कांपते थे। सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण के दौर में ऐसा था वीरेंद्र सहवाग का जलवा। जिस तरह से वो गेंदबाजों की धुनाई किया करते थे, उसी तरह से उनके बेटे आर्यवीर सहवाग ने भी क्रिकेट के मैदान पर ऐसा तहलका मचाया जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे मानो मैदान पर छोटा सहवाग खेल रहा हो। वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग कूचबिहार ट्रॉफी में राजधानी दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, जिसका मुकाबला मेघालय से है। शिलोंग के मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में मेघालय ने टॉस जीतकर दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए बुलाया और जब अर्णव बग्गा के साथ आर्यवीर सहवाग बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो फिर जैसे मानो आंधी और तूफान की तरह ऐसा कोहराम मचाया कि मेघालय के गेंदबाज भी कांपने लगे। अर्णव बग्गा ने जहां शतक ठोक दिए तो वहीं आर्यवीर सहवाग ने तो पहले शतक ठोका, फिर दोहरा शतक ठोका और फिर तीसरे शतक की ओर बढ़ ही रहे थे लेकिन महज 3 रन से चूक गए। मेघालय के गेंदबाज RS राठौर ने उन्हें 297 रनों पर क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उनके पिता वीरेंद्र सहवाग खुश नजर नहीं आए क्योंकि सहवाग ने ये उम्मीद लगाया था कि बेटा आर्यवीर 297 तो पहुंच गया तो उनका 319 रनों का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। यही वजह है कि उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली थी, जैसे ही उनका बेटा 319 रनों का रिकॉर्ड तोड़ेगा सहवाग उसे फरारी कार गिफ्ट करेंगे। लेकिन आर्यवीर सहवाग महज 23 रनों से सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए, जिस पर वीरेंद्र सहवाग ने एक ट्वीट में लिखा, बहुत बढ़िया खेले आर्यवीर, लेकिन 23 रनों से तुमने फरारी मिस कर दी, लेकिन बहुत बढ़िया। अपने अंदर की आग को लगातार जलाए रखो और दुआ करो कि तुम और भी कई शतक और दोहरे और तेहरे शतक बनाओ, खेल जाओ। आपको बता दें कि वीरेंद्र सहवाग ने 26 मार्च साल 2008 के दिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई के मैदान में 319 रनों की तूफानी पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 32 चौके और 8 छक्के जड़े थे। उनका यह रिकॉर्ड आज तक कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं तोड़ सका है। तो वहीं जिस मैच में आर्यवीर सहवाग ने 297 रनों की पारी खेली, उस मैच के बारे में आपको बता दें कि दिल्ली ने 5 विकेट पर 623 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। तो वहीं मेघालय की पहली पारी 260 जबकि दूसरी पारी 172 रनों पर सिमट कर रह गई, जिससे आर्यवीर की टीम ने पारी और 191 रनों के साथ जीत दर्ज की। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आर्यवीर सहवाग अपने पिता वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।